आप अभी तक गई क्यों नहीं? ये मेरी वजह से रुकी हुई है। आपसे बात नहीं हो रही। ये मुझसे बात कर रहे हैं। आप अपनी फ्रेंड से बाहर मिला कीजिए, बेहतर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। मगर बात तो मेरे बारे में हो रही है। अपनी एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ मैं। मगर ये तो आपकी एम्प्लॉय है भी नहीं। तुम बुरा मत मानना, मुझे बोल रहे हैं। अरे आपकी दोस्त तो बिल्कुल आपके ही जैसी है। ये मेरी दोस्त नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। असल में हम दोनों दोस्त से भी बढ़कर हैं। ये मेरी बहन जैसी है, बल्कि मैं तो इसे अपनी बहनों से भी ज्यादा मानती हूँ। क्या कहा? अरे मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? प्लीज खुदा के लिए कुछ मत कहो। तुम इतनी नाराज मत हो, असल में मेरी बहन थोड़ी नाराज है मुझसे। प्लीज हाथ मत लगाओ मुझे। मैं आइंदा से ख्याल रखूंगी मुराद सर कि ऑफिस टाइमिंग में किसी को नहीं बुलाऊं। प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ, मैं सब समझा क्या। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताया, लेकिन इस बात से मुझे अंदाजा हो गया कि आप ऑफिस में ही नहीं घर पे भी ऐसी हैं। वाह 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 वा। भाई सब मसरूफ लोग एक ही जगह मिल गए हमें, ये तो कमाल ही हो गया। लगता है हमारे वेलकम के लिए जमा हुए हैं। गुड मॉर्निंग। निजात सर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? निजात अंकल, दरिया जिस बच्ची के बारे में मैं तुमसे रास्ते में बात कर रहा था ना, ये वही है, सोना, कमाल की बेटी। ये तुम्हारी आंटी दरिया। मिलके खुशी हुई। मुझे भी। चलिए बाबा मेरे कमरे में चलकर बैठते हैं, इस दौरान सोना अपनी इस दोस्त को भी खुदा हाफिज कह देंगी। सोना प्रैक्टिस? जी कहिए। इसका और मेरा नाम एक ही है और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बल्कि मेरी बहनों की तरह है। मुराद सर ने क्या कहा था तुम्हें? अगर तुम्हारी बहनों जैसे दोस्त से तुम्हारी बात खत्म हो गई है तो क्या तुम काम करोगे जाके? मेरे ख्याल से तुम्हें ये बात समझ आ गई है। देखिए आप पहले मेरी बात सुनो। शोर मत मचाओ यहाँ, चलो आओ हम बाहर चल के बात करते हैं। तो मुझे अब जल्दी से बताओ कि क्या हो रहा है यहाँ। क्या हो रहा है ये तो मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। कल रात मेरे बाबा के पास निजात अंकल का फोन आया था और मालूम है वो क्या कह रहे थे? कि आपकी बेटी बहुत अच्छी और यहाँ नौकरी कर रही है। मेरे नाम से यहाँ कौन नौकरी कर रहा है? असल में तुम उस दिन इंटरव्यू देने आई थी और नहीं दिया था। 5 सफों की सीवी अपनी मेरे मुंह पर मार कर गई थी। अच्छा, तो फिर मैंने तुम्हारी सीवी उठाकर अपने हाथ में रख ली थी। अच्छा फिर? तो फिर जब मैं चाला के पास गई तो तुम्हारी सीवी मेरे हाथ में ही थी। तो उसने फौरन से तुम्हारी सीवी मेरे हाथ से लेकर अपने पास रख ली। मुझे प्रैक्टिस समझने लगे। यानी ये मैंने जानबूझकर नहीं किया और मुझे नौकरी की भी बहुत जरूरत थी तो मैंने कुछ नहीं बोला। तुमसे प्रैक्टिस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे ये नौकरी करने दो, वरना मैं मुसीबत में आ जाऊंगी। चलो ठीक है फिर, कल तक ये ड्रामा खत्म हो जाए और याद रखना कि मुझे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।